बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर 1 का जो टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो है ये बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आता है, और ये वाले जो होंगे ना, हम इनको कहते हैं कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये कौन सी हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब ये कि इनकी जो बाउंड्री होगी दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, सिंगल मेम्ब्रेन। अब देखें ना, हमने जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी उनमें जैसा ये मैंने आपके सामने लिखा, या इसी तरह से वैक्यूल आ जाता है, गोल्जी बॉडीज आ जाती हैं, वो सिंगल मेम्ब्रेन है, या इवन के लाइसोसोम्स भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड में आएंगे। तो ना ये बात का एमसीक्यूज वगैरह में भी आ सकता है, तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि ये वाली जो ऑर्गेनेल्स है ना, जिनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ रहे हैं, कि उनके आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो सिंगल लेयर्ड होती है, इसलिए हम उसको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का नाम देते हैं। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको आप कह रहे हैं, ये एक नेटवर्क होता है। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख भी देता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली क्या है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, कह दें, और चैनल्स बिटवीन सिस्टर्नी। क्या होगा यहाँ पे? सिस्टर्नी होंगे, उनके दरमियान में ये कुछ पाथ्स होते हैं या चैनल्स वगैरह हैं, उनको हम क्या नाम देंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। लेकिन ये वाला जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है ना, या चैनल है, ये हम कहते हैं कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, हाँ जी, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ आ रही है कि नहीं? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये होगा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर थ्रू आउट आपको एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है वो नज़र आएगा। अब बेटे इसमें ना, सबसे पहले मैं आपको ये टर्म थोड़ी समझा देता हूँ, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी क्या होते हैं? देखें, जो सिस्टर्नी है बेसिकली, ये हम कहते हैं कि दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और ये जो ना सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं है, बल्कि क्या होते हैं, ये क्लोज मेम्ब्रेन्स होती हैं, और साथ ही क्या, ये मैं एक लिख रहा हूँ कि दीज आर फ्लूइड फील्ड। इनके अंदर क्या होगा? फ्लूइड भी मौजूद होता है। ये फ्लूइड फील्ड क्या होंगी? क्लोज मेम्ब्रेन्स होती हैं, लेकिन आउटर जो बाउंड्री है वो सिंगल लेयर है। से फॉर एग्जांपल, देखिए मैं यहाँ पे एक इस तरह से ना सिस्टर्नी में से एक शेप से यूँ ड्रा कर देता हूँ। ये इस तरह से सिंगल लेयर ये स्ट्रक्चर था, ये उसकी सरफेस आपको ऐसे नज़र आ रही है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसका इस तरह से सेक्शन काटते हैं। ये देखिए, मैंने ना यहाँ से इसका क्या किया, सेक्शन जब वो काटा, सेक्शन काटने के बाद बेटे ये आपको इनर साइड से इस तरह से नज़र आएगी। ये देखें, हमने जैसा उसका सेक्शन काटा है, यूं उसको हमने ये लिफ्ट किया, तो ये इसके इनर साइड पे क्या थी, वो हॉलो स्पेस थी, जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड मौजूद होता है। तो इस तरह की ना, ये जो फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको आप क्या नाम देंगे कि दीज आर सिस्टर्नी। नॉर्मली जो होता है ना, ये फ्लैट मेम्ब्रेन्स होती हैं, यानी इनकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा होगी, लेकिन जो थिकनेस होती है वो कम होती है, लेकिन ये अंदर से क्या है, उस तरह से इनके एक आप कह सकते हैं ल्यूमन मौजूद है, इनके अंदर इनर एक कैविटी या स्पेस होती है, जो कि क्या होगी, फ्लूइड फील्ड होगी। अब ने यहाँ पे ना, ये मैंने लिख तो दिया कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन साथ ये भी याद रखिए कि ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, और दूसरी तरफ क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है। अब मैं यहाँ पे ना उसी तरह से एक डायग्राम बना देता हूँ। से फॉर एग्जांपल, ये देखें, इस तरह से मैं ये स्ट्रक्चर सा शो कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर जब वो न्यूक्लियस का है,
यानी आप उसी तरह से ये न्यूक्लियोलाइज में शो कर सकते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क वगैरह है। देखिए अब ना जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिहाज से जो सिस्टर्नी होंगी वो किस तरह से होंगी, बल्कि मैं इसमें इस तरह से करता हूँ, थोड़ी सी ना थ्री डायमेंशनल डायग्राम की कोशिश करता हूँ कि यही न्यूक्लियर एनवेलप है, थोड़ी सी एक थ्री डायमेंशनल हम बना देते हैं ये फिगर जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये न्यूक्लियर एनवेलप था, ये उसके अंदर न्यूक्लियोलाइव है रहा, और ये क्या है, क्रोमैटिन नेटवर्क जिससे क्रोमोसोम बनता है। अब इन्हें देखें, जो सिस्टर्नी है जिनको हम क्या कहते हैं कि वो क्लोज सी मेम्ब्रेन्स हैं, ये मैं इस तरह से एक सिस्टर्ना बना रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। ये देखें, ये वही सिस्टर्ना था, लेकिन कैसे, जब वो एक फ्लैट सी मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर जो एनवेलप होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके साथ क्या है, अटैच है। बात समझ आ रही है, यानी वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कंटिन्यूस है, ये नहीं है कि सिंपली वो उसके सराउंडिंग में मौजूद थी, बल्कि क्या होती है, अटैच। एक और मैं सिस्टर्नी ऐसे बना देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये देखें आप इस तरह से ना, ये उसका यूं टॉप वाला जो पोर्शन है वो ये इस तरह से आप ड्रा कर दें। हाँ जी, ये देखें दो सिस्टर्नी मैंने यूं ड्रा कर दी। अब अगर मैं इसी तरह से एक नेक्स्ट सिस्टर्ना भी ड्रा करना चाहता हूँ, ये देखें ऐसे ही आप ना ये फ्लैट सा स्ट्रक्चर बनाएं, ये उनसे नेक्स्ट मौजूद होगा। ये देखें इस तरह से हमने क्या किए, यहाँ पे ये तीन सिस्टर्नी जो है वो यूँ बना दिए। अगर आप जितने मर्जी टाइम के लिहाज से ना, अगर पेपर में आपके पास टाइम है और आप क्या करना चाह रहे हैं इस तरह से ना सिस्टर्नी का जो नंबर है वो इनक्रीज़ करना चाह रहे, तो आप इस तरह से ये देखें सिस्टर्नी जो वो बढ़ाते जाएं। ये बातें समझ आ रही कि नहीं, ये इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिस्टर्नी जो है वो बना दी है। अब ये जो सिस्टर्नी है यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में लिंक कर दिया, इधर जो थे इन दोनों को मैं यूँ आपस में ये लिंक कर देता हूँ। अगर एक मैं थर्ड सिस्टर्ना भी बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन दो के साथ आगे नेक्स्ट जो थर्ड था वो आपको यूँ नज़र आएगा। ये देख लें, ये नेक्स्ट सिस्टर्ना मैंने ड्रा किया, तो हो सकता है जो पहली वाली कोई एक या दोनों इसके साथ क्या कनेक्टेड हैं। अब देखें ना, मैं अगर यहाँ से ये ब्लू से एरो से शो कर रहा हूँ, एक मटेरियल था जो कि इस फर्स्ट सिस्टर्ना में है, तो वो क्या करेगा, ये एरो शो करें कि यहाँ से वो मूव करता हुआ क्या है, आगे जा रहा है। तो ये देखें एक चैनल या एक पाथ सा बन गया। ये जो इस तरह का चैनल या पाथ सा बनता है ना, ये सिस्टर्नी का, दिस ऑल आर द सिस्टर्नी, और ये जो था ये क्या है, दिस इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दें या न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके साथ ये सिस्टर्नी क्या थे, अटैच थे। बाकी जो हमने पहला लिखा है कि नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स भी हो सकता है, अगर आप उस तरह से ड्रा करते हैं ना, ये देखें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास उसी तरह से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, उसमें क्या थे, ये न्यूक्लियो लाइव है रहा, बाकी सारे जो थे। अब ना हम अगर एक ट्यूबुलर नेटवर्क सा बनाते हैं, ये देख लें जस्ट लाइक दिस, ये मैंने ट्यूब्यूल सा बना दिया। हाँ जी, ये इस तरह से जो आपको ना ये ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क सा मिलेगा, ये नेटवर्क जो होता है ना, ये साइटोप्लास्ट के अंदर जब वो इस न्यूक्लियर एनवेलप से क्या करेगा, एक्सटेंड करता हुआ जा सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो ये जो थे ना, दीज आर बेसिकली, हाँ जी, ट्यूब्यूल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। तो वो जो रेटिक्यूलम है ना, रेटिक्यूलम का मीनिंग क्या होता है कि वो नेटवर्क बना रहा है। अब इस तरह से हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है, एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क साइटोप्लाज्म के अंदर बनाई। अच्छा बेटे, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसको अगर हम मॉर्फोलॉजिकली देखें, यानी मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, तो एक याद रखिएगा इसके दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। एक को हम यूँ लिखते हैं RER से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और वो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो इस तरह से है, ये जो आपको ना ग्रीन कलर में ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये बेसिकली छोटे छोटे से क्या होते हैं, दीज आर द ग्रैन्यूल्स। व्हाट आर दीज आर द
ग्रैन्यूल्स, और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं इनको हम नाम देते हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये क्या है, राइबोसोम्स हैं, जो कि क्या था, इस सिस्टर्नी की जो सरफेस थी उसके ऊपर क्या है, अटैच है। जब बेटे ये अटैच होंगे ना सिस्टर्नी के ऊपर, तो उनकी जो सरफेस है वो उस तरह से आपको स्मूथ नज़र नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा, ग्रैन्यूलर जो है ना वो स्ट्रक्चर्स की वजह से वो सरफेस हमें रफ़ नज़र आती है। तो ऐसा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आपने किस से डिनोट किया था, आर ई आर से। बात समझ आ रही नहीं, लेकिन साथ ही देखें चूँकि इसके ऊपर ना ये ग्रैन्यूलर जो है वो आप कह सकते हैं अपीरेंस है ना कि राइबोसोम्स की वजह से, तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम की वजह से ये ग्रैन्यूलर है। तो ये ग्रैन्यूलर ER में लिख रहा हूँ, मींस ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अच्छा बेटे, जो राइबोसोम्स हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सेंसेस। मेन फंक्शन क्या है इनका, प्रोटीन सेंसेस। अब देखें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस लिहाज से क्या है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोटीन सेंथेसिस। ये किसके साथ रिलेटेड है, प्रोटीन सेंसेस के साथ। वजह क्या, उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। अब वो जो राइबोसोम है जब वो प्रोटीन बनाएगा ना, तो वो प्रोटीन क्या करेगी, दैट विल मूव इन टू द ल्यूमन। ये देखें जो इनर स्पेस थी ना, इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ, ये क्या है, दिस इज़ अ ल्यूमन ऑफ सिस्टर्ना। तो जो इनर स्पेस होती है उस ल्यूमन के अंदर प्रोटीन बनने के बाद मूव करके चली जाएगी, फिर वो जो बीच में ये चैनल्स से बने हुए हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं ना, वो जो बीच में चैनल्स हैं उनके थ्रू क्या होगी, वो प्रोटीन्स होती हैं, वो ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। यानी आप देखें ना, प्रोटीन सेंसेस हुआ, नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या हो जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स भी करेगा। और तीसरा बड़े इसमें ये है कि बास का ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके स्मॉल चेन्स के साथ ये कंबाइन करते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन सेंथेसिस भी करेंगे। ये क्या करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन सेंथेसिस भी करते हैं, यानी वो ग्लाइकोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जैसा हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कि वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी बनेगा। नेक्स्ट बेटे इसमें एक आ जाता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, वो मैकेनिकल सपोर्ट भी है। कि ये क्या करेंगे कि जो सेल होगा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप मैकेनिकल सपोर्ट का नाम देंगे। यानी ये क्या करेंगे, दिस विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली किसका फंक्शन था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या जिसको आप ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। फिर इसी तरह से जो सेकंड टाइप आ जाती है, दैट इज़ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है, दिस इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बेटे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो नाम से जाहिर है कि उसकी अपीरेंस जो होगी वो स्मूथ होगी। उसकी अपीरेंस कैसी है, स्मूथ है, तो इसलिए हम उसको ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, और उसको एब्रीविएट आप कैसे करते हैं, SER के साथ। लेकिन चूंकि उसके ऊपर ग्रैन्यूल्स नहीं थे ना, इसी वजह से वो क्या था, स्मूथ था। तो बेटा हम इसको ना एग्रैन्यूलर, इसको जैसे वो क्या था, ग्रैन्यूल्स की वजह से ग्रैन्यूलर, लेकिन इसका ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, तो ए ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी इसको आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज ए ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मेरे ख्याल में यहाँ तक ये बातें समझ आ गई होंगी कि किस तरह से क्या है ये अपीरेंस वाइज, ये दो डिफरेंट टाइप्स की किसकी जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो चूँकि अपीरेंस जो एक्सटर्नल थी वो डिफरेंट है, ग्रैन्यूलर ए ग्रैन्यूलर, तो हम ना इसलिए ये कह सकते हैं कि दीस आर द टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट बेटे इसमें एक बात याद रखिएगा कि
राइबोसोम की वजह से जो रफ़ वाला है वो तो प्रोटीन सेंसेस करता है, लेकिन जो स्मूथ वाला होगा ये एक इम्पॉर्टेंट सेंसेस कर रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, लिपिड सेंथेसिस। यानी वो प्रोटीन सेंसेस के साथ रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, लिपिड सेंसेस यहाँ पे होगी। बाकी ना वो लिपिड्स होते हैं ना, वो फिर उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। यानी सिर्फ ना लिपिड सेंसेस हो भी नहीं रही है, बल्कि क्या है, जो लिपिड्स के ट्रांसपोर्ट होगी वो भी करेगा। और साथ साथ देखें, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन था, तो इसके अंदर क्या होंगे, ग्लाइको लिपिड्स भी बन सकते हैं। लेकिन बेटा एक याद रखिएगा कि ये वाला जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना, इसका मैं एक यहाँ पे मसल सेल के लिहाज से नाम लिख देता हूँ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इन केस ऑफ मसल सेल दैट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात समझ आ रही कि नहीं, यानी ये किस में होगा, इन केस ऑफ, हाँ जी, मसल सेल। इंशाल्लाह हम ना सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, जैसा मसल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो देखो जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा कहा था, वहाँ पे ना हम मसल सेल में प्लाज्मा लीमा के बजाय सार्कोलीमा का वर्ड यूज़ करेंगे, साइटोप्लाज्म के बजाय सार्कोप्लाज्म की टर्म यूज़ होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बजाय क्या यूज़ करेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ना, ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू जरा में आ सकता है। ये देखें SER मैंने लिख दिया, यानी जो मसल सेल के अंदर होता है वो बेसिकली क्या है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब ये असल में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक तो ये था जैसा कि नर्व इम्पल्सिस वगैरह होती हैं, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख रहे हैं कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट विल सेंड इम्पल्सिस। ये क्या करेगा, इम्पल्सिस जो होता है सेंड करता है, यानी मसल कंट्रैक्शन के लिए। फिर इसके साथ साथ ना ये स्टोर भी करेगा एंड रिलीजेस, स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस। जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, वो मसल कंट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जब नर्व इम्पल्स आएगी तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जैसे हमने कहा था ये मेम्ब्रेन बाउंड है, तो उसकी मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ना कैल्शियम गेट्स का नाम देते हैं। अब जैसे कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी जो स्मूथ वाला था, उसमें से कैल्शियम आयन से रिलीज होंगे और वो क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाएंगे। अब वो जैसा साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज़ करते हैं, वहाँ पे फिर प्रोटीन्स होंगी, वो उनको एक्सेप्ट करेंगी और मसल कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। वो इंशाल्लाह मैकेनिज्म जो होगा वो हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें बात है ना कि देखें, इम्पल्सिस भी सेंड कर रहा है और कैल्शियम जो है वो आयन स्टोर करेगा फिर रिलीज करेगा, इस तरह से मसल कंट्रैक्शन में ये हेल्प भी करता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ना, ये किस किस की करेगा बेटे, एक तो मिसाल के तौर पे ड्रग्स आ जाती हैं या कोई भी और टॉक्सिन्स वगैरह हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं ना, या पॉइजनस मटेरियल्स होंगे, या कई ऐसे ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स भी क्या हैं, केमिकल्स हैं ना, अगर वो एक सेल के अंदर आते हैं और वो सेल को डैमेज कर सकते हैं, तो सेल फिर क्या करेगा कि उन ड्रग्स को या टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करेगा। वो ड्रग्स को क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। लेकिन वो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, असल में SER। यानी यहाँ पे ना ये मैं उस तरह से ना ये फंक्शंस इनके ये बता रहा हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी करता है, जबकि जो रफ वाला था वो ये वाले फंक्शंस नहीं करेगा। और बेटे यहाँ पे ना एक मैंने ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का बताया था, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स कर रहा है। फिर इसी तरह से ना ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन, RER। लेकिन याद रखिएगा SER भी क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी ये दोनों का जो है एक कॉमन फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट
चलें डिफरेंट मटेरियल्स के लिहाज से आ जाता है, लेकिन जो बेसिकली था लिपिड्स सेंसेस या वो रिलेटेड है क्लोजली किसके साथ, SER प्रोटीन सेंसेस किसके साथ रिलेटेड है, RER के साथ। अच्छा बेटे आगे चल के ना इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना गॉल्जी बॉडीज, उसमें मैं कुछ वेसिकल्स का जिक्र करूँगा कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसमें से क्या होंगी, इवन के ना कुछ वेसिकल्स जो होती हैं वो भी ओरिजिनेट होंगी और वो वेसिकल्स आगे जाके गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडीज बनाएंगे। अच्छा बेटे अब ना ये जो वेसिकल्स होंगी ये ना बेसिकली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी सरफेस से हम कहते हैं कि दिस विल बड ऑफ फ्रॉम द सरफेस। वो किस तरह से, देखिए मैं यहाँ पे ना एक सिंपल सा यू ना ये ट्यूब्यूल सा ये इस तरह से शो कर देता हूँ जो स्मूथ वाला था। अब ये होता है इस तरह से कि जो सरफेस है उसके ऊपर क्या है इस तरह से एक छोटी सी पहले आउट ग्रोथ बनती है जिसको आप बड भी कह सकते हैं। फिर ये आउट ग्रोथ देखिए मैं एक स्टेप में यहाँ पे शो कर रहा हूँ इस तरह से क्या हो जाएगी एनलार्ज। अब उसके अंदर ना कोई भी मटेरियल है, वो लिपिड हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकती है, वो कोई भी मटेरियल जो है ना वो इसके अंदर क्या है एनक्लोज होगा। बाद में क्या है यहाँ से ये कंस्ट्रिक्शन बनने के बाद ये वाली जो वेसिकल है ये क्या है यहाँ से अलग हो जाएगी। ये हमने क्या किया इस वेसिकल को यहाँ से हाँ जी अलग कर दिया है और ये जो वेसिकल्स हैं जो यहाँ से अलग हो रही हैं ना ये किसी न किसी किस्म के जो मटेरियल होगा यानी प्रोटीन है या लिपिड्स है उसको क्या करती हैं ट्रांसपोर्ट करती हैं। आप इनको ना ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कह सकते हैं। और अगर देखें यहाँ पे ना ये जो हमने सिस्टर्नी बनाए थे इनके ऊपर भी आप इसी तरह से ये देखें ये बर्ड सा शो कर सकते हो इस तरह के आपको ना ये बर्ड्स भी नज़र आएंगे और फिर वो बर्ड्स वहाँ से सेपरेट होंगे इसी तरह से वेसिकल्स की फॉर्म में। वो जब मैं गॉल्जी बॉडीज आपको पढ़ाऊँगा तो उससे हम बात करेंगे कि यही जो वेसिकल्स होती हैं आपस में मिल के कैसे जब वो गॉल्जी एपरेटस बनाएंगे। अब बेटा इसमें आखिरी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिस तरह से ये आपको नज़र आ रही है ना यहाँ पर सिस्टर्नी ये मैंने सेक्शन काटा हुआ है, ये जो डायग्राम में हमने शो किया ना ये उसका सेक्शन काट के शो किया हुआ है जबकि मैंने क्या कहा है ये कंप्लीट इस तरह से फ्लैट मेम्ब्रेन होगी क्लोज मेम्ब्रेन होती है। होता ये है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक इनर स्पेस है जिसको हमने ल्यूमन का नाम दिया था और वो ल्यूमन जो होती है वो फ्लूइड फील्ड है। अब देखें ये जो इनर साइड पर जो ल्यूमन में फ्लूइड है ना वो बाहर साइटोप्लाज्म के जो फ्लूइड है उससे क्या है अलग है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन होगी या ट्यूब्यूल की मेम्ब्रेन होगी वो इनर जो फ्लूइड है उसको क्या है दैट विल कीप दैट फ्लूइड सेपरेट फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, उनको मिक्स नहीं होने देती। ये भी बात याद रखनी है। और जो भी इसमें मटेरियल्स होंगे वो विद इन ट्यूब्यूल्स क्या करेंगे वो ट्रेवल करते हैं साइटोप्लाज्म में एक पार्ट से दूसरे पार्ट के। ये बेसिकली था जी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो कि क्या है सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगा। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देखें जब मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि प्रोकैरियोटिक में ये होगा कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा यूकैरियोटिक के अंदर। हाँ जो राइबोसोम्स थे ना वो प्रोकैरियोटिक में ज़रूर थे लेकिन यहाँ पर ना ये राइबोसोम्स हैं वो ATS जिनको आप कहते हैं जिनका जो सेडिमेंटेशन रेट है वो हाई होता है बिगर साइज़ के ये वो वाले राइबोसोम्स हैं जो यूकैरियोट का पार्ट है। एनीवे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में आपको मिलेगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब वो बात करेंगे राइबोसोम्स की भी और राइबोसोम्स के बाद जो नेक्स्ट जो मैंने वेसिकल्स की बात की ना इन्हीं से हम देखेंगे कि गॉल्जी बॉडीज़ कैसे बनते हैं। इजाज़त दीजिए जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।